केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि जनवरी में यूसीसी का ड्राफ्ट कमेटी की तरफ से सौंप दिया जाएगा और फिर इसको लागू भी कर दिया जाएगा। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी। सीएम ने कहा कि अब हम उत्तराखंड के सामान्य नागरिक आचार संहिता को भी लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। धामी सरकार ने साल 2022 में 27 मई को सामान्य नागरिक संहिता की संभावनाएं तलाश कर इसे तैयार करने के लिए और नागरिकों के सभी निजी मामलों से जुड़े कानूनों की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। आइए जानते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से क्या क्या बदलाव आएंगे, आपको भी बताते हैं। अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होता है तो फिर तलाक केवल कानूनी प्रक्रिया से ही होगा, यानी कि तलाक के सारे धार्मिक तरीके अवैध होंगे। नए कानून के दायरे में तलाक के हसन और तलाक के एहसन भी आएंगे। बिना विवाह किए एक साथ रहने यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने के लिए यूसीसी में प्रावधान दिए गए हैं। यूसीसी लागू होने पर लिव इन की जानकारी तय प्रक्रिया के तहत सरकार को देनी होगी, यानी कि लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के तहत ही लिव इन रिलेशन की जानकारी लड़के लड़की के माता पिता को भी दी जाएगी। जानकारी न देने पर सजा का प्रावधान होगा। तो वहीं यूसीसी में बहु विवाह, हलाला और इद्दत पर भी रोक लगाने का प्रावधान है। लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में भी बदलाव किए जाने की संभावना है, इसे बढ़ाकर 21 साल की जा सकती है। सबके लिए शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। अगर विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो दंपत्ति को किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ग्रामीण स्तर पर भी विवाह के रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी। विवाह की जैसे ही तलाक के लिए भी पति पत्नी को समान अधिकार होंगे। तलाक का जो आधार पति के लिए लागू होगा उसी आधार पर पत्नी भी तलाक लेने के लिए अपना सकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड का यूसीसी पैनल सभी धर्मों के लिए गोद लेने से जुड़े नियम और गोद लिए बच्चों को जैविक संतानों के समान अधिकार की सिफारिश करने जा रहा है। पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम समुदाय में एक से ज्यादा बीवियों की इजाजत है, जिसे पैनल अपने ड्राफ्ट में खत्म करने की सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड में यूसीसी के लिए बना पैनल की सिफारिशों में सबसे बड़ा अहम मुस्लिमों सहित सभी महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार की सिफारिश हो सकती है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है, जिसने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और कभी भी राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप सकता है। तो जाना आपने कि यूसीसी लागू होने से किस किस चीज के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, यानी कि आपको अगर कुछ भी चीजें करनी है तो वो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आप पे लागू होगी। शादी भी अगर आपने हिंदू रीति रिवाज से किया उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तलाक आप सीधे तौर पर नहीं ले सकते हैं। और सबसे जरूरी और अहम बात यह है कि पति हो या पत्नी, दोनों के लिए संपत्ति में अधिकार बिल्कुल बराबरी का होगा। इसके अंदर जैसे राम मंदिर की मांग कि राम भगवान राम लला का मंदिर बनना चाहिए, धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, ऐसी बातें लगातार पूरे देश के अंदर उठती रही। प्रदेश के अंदर भी हमने इस आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम नई सरकार के गठन होते ही प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए काम करेंगे। तो यूसीसी जो लागू होने जा रहा है उसके लिए आप अपनी क्या सहमति प्रस्तुत करते हैं या फिर आप इसमें और क्या लाना चाहते हैं, वो अगर आप चाहते हैं कुछ भी इसमें बताना तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय लिख सकते हैं और साथ ही उस राय पे विचार किया जाएगा और इसी तरीके की और भी अधिक आपको जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए देखते रहे आपका अपना चैनल केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।